मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को अपने एक दिवसीय नैनीताल भ्रमण के दौरान नैनी झील में 1 करोड़ की लागत से UNDP के सहयोग से स्थापित दिव्य नैनी झील जन गुणवत्ता आकलन प्रणाली का लोकार्पण वैदिक मंत्रों के बीच किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि नैनी झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है और सदैव से ही पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। उन्होंने कहा कि नैनी झील हमारी संस्कृति विरासत का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने जिला प्रशासन और UNDP को इस अभिनव पहल के लिए बधाई दी। उन्होंने सभी से नैनी झील को स्वस्थ व स्वच्छ रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जल गुणवत्ता प्रणाली जल संरक्षण के साथ ही जल की निर्मलता बनाए रखेगी। प्रदेश में जल संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रदेश की नदियों, झीलों, तालाबों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक जन अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है, जहां अतिथि देव भव के साथ ही स्थानीय उत्पाद व स्थानीय भोजन को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होम स्टे को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 2200 होम स्टे संचालित हैं और इनको बढ़ाया जाएगा। अनलॉक के लागू होने के बाद से यात्रियों को लगातार राहत मिल रही है। बस सेवा और ट्रेन सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इस क्रम में हवाई यात्रा करने वालों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। उत्तराखंड के देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सैकड़ों हवाई यात्रा सेवा मिलनी शुरू हो चुकी है और इसे देखते हुए विमानों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। इससे लोगों का वक्त भी बचा रहेगा। 25 अक्टूबर से सभी एयरलाइंस की उड़ानों के समय में परिवर्तन भी हो गया है। लिस्ट में केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि हैदराबाद, पंतनगर, मुंबई, बैंगलोर भी शामिल है। सबसे ज्यादा फ्लाइट देहरादून के लिए जौली ग्रांट एयरपोर्ट से यात्रियों को सेवा देंगे। कुछ विमान पंतनगर से भी उड़ेंगे। जौली ग्रांट पहुंचने वाले विमानों की बात करें तो दिल्ली से सबसे ज्यादा लोग देहरादून पहुंचेंगे। दिल्ली देहरादून के लिए कुल 8 फ्लाइट्स हैं, मुंबई दून के लिए 2 फ्लाइट्स, पंतनगर और देहरादून के लिए 1, बैंगलोर से 2, कोलकाता से 1 और लखनऊ से 1 फ्लाइट जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी यानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने हर साल की भांति इस बार भी अनेक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश जारी किए थे। प्रवेश प्रक्रिया जारी होने के उपरांत ही छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करना भी शुरू कर दिया था। आंकड़ों के अनुसार अब तक तकरीबन 60,000 छात्र छात्राएं विभिन्न विभिन्न पाठ्यक्रम में दाखिला ले चुके हैं। राज्य भर में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की करीब 8 क्षेत्रीय कार्यालय है। इन सभी कार्यालयों के तहत 120 स्टडी सेंटर हैं, जिनमें अब तक कुल 5,90,000 से ज्यादा शिक्षार्थी दाखिला ले चुके हैं। अनेकों कार्यालय क्षेत्रों में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं में से सबसे ज्यादा तादाद में प्रवेश देहरादून क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लिए गए हैं। उसी सूची में हल्द्वानी दूसरे नंबर पर है। पिछले साल उत्तराखंड के लिए बतौर प्रोफेशनल खिलाड़ी खेलने वाले और रणजी ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कप्तानी करने वाले तन्मय श्रीवास्तव ने 30 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट के जरिए दी। तन्मय साल 2008 में विराट कोहली की अगुवाई में अंडर 19 चैंपियन बनने वाली टीम का सदस्य थे। उन्होंने टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। तन्मय मलेशिया में 2008 में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में 262 रन के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी थे। उन्होंने फाइनल में 40 से ज्यादा रनों का योगदान दिया था। अंडर 19 टीम को विश्व कप जिताने में खास भूमिका निभाने वाले इस बल्लेबाज के करियर को ज्यादा उड़ान नहीं मिल पाई। वो उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेले, लेकिन इसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। साल 2019 में उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में बतौर प्रोफेशनल खिलाड़ी शामिल किए गए। रणजी ट्रॉफी और शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने टीम की कमान भी संभाली। विजय हजारे में उत्तराखंड के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा 7 मुकाबलों में 340 रन बनाए, जिसमें 350 और 1 शतक शामिल था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने सबसे ज्यादा 4 मुकाबलों में 150 के आसपास रन बनाए थे। उनका औसत 70 के पास रहा था, लेकिन 2020 में उनके कॉन्ट्रैक्ट को संघ ने आगे नहीं बढ़ाया। बता दें कि साल 2018 में तन्मय ने BCCI लेवल 1 कोचिंग कोर्स किया और वो लेवल B के लिए भी क्वालिफाई कर लिए गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि तन्मय अब कोचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं।